यदि आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट स्विच नहीं किया है क्रिएटर अकाउंट के अंदर, बिजनेस अकाउंट के अंदर या फिर आप कह सकते हैं ब्रांड अकाउंट के अंदर, तो फिर इस वीडियो को जरूर आखिर तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट स्विच कैसे करें क्रिएटर अकाउंट के अंदर। जी हाँ दोस्त, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम के अंदर इसी टॉपिक पर बहुत सारे मैसेज किए, मुनीय भाई हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट है, क्या हम उसको स्विच कर सकते हैं क्रिएटर अकाउंट के अंदर, प्लीज़ भाई इस पर एक वीडियो बना लो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी अपने पर्सनल अकाउंट को स्विच कर सकते हैं इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट के अंदर। तो गाइस काफ़ी सारे दोस्त आपको कहेंगे यानी कि यूट्यूब के अंदर कहेंगे अगर आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना है तो फिर आपको न्यू अकाउंट, उसके लिए आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो गाइस अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है या फिर न्यू अकाउंट है, आज मैं उसी अकाउंट को आप लोग के सामने कन्वर्ट करने वाला हूँ यानी कि स्विच करने वाला हूँ क्रिएटर अकाउंट के अंदर। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज़ यार वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा मस्त मस्त कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके दोस्त, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो है गाइस, दिस मुनीब एंड वाचिंग टेक मुनीब, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के ओर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम का जो क्रिएटर अकाउंट है उसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे जो आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्त, जब आप स्विच करोगे क्रेडिट अकाउंट के अंदर फिर आप लोगों को खुद ही पता चलेगा क्रेडिट अकाउंट के अंदर कितने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो दोस्त फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यदि आपको भी अपना जो पर्सनल अकाउंट है वह आपको स्विच करना है इंस्टाग्राम बिजनेस ब्रांड क्रेडिट अकाउंट के अंदर, तो भाई लोग उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको ये वीडियो लास्ट तक और स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, उसके बाद आप लोग भी अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के अंदर या फिर क्रेडिट अकाउंट के अंदर स्विच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वन क्लिक के अंदर, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, सिंपली आपको इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है, उसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाने वाला हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है फिलहाल पर्सनल है, अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ बिजनेस या फिर क्रेडिट अकाउंट के अंदर, राइट। तो गाइस सिंपली आपको ऊपर दिखेगा थ्री डॉट्स, आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट, आपको अकाउंट पे टैप करना, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा शेयरिंग टू अदर ऐप्स, आपको इसी पर टैप करना है। तो गाइस टैप करने के बाद फिर आपके सामने बहुत सारे सोशल मीडियाज आ जाएंगे, फेसबुक ट्विटर वगैरह, उसके बाद फिर आपको फेसबुक पर टैप करना है। जैसे आप फेसबुक पर टैप करोगे फिर आपको यहाँ अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो आपको यहाँ लिंक करना है, सबसे पहले आपको यही काम करना होगा। तो गाइज अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है, सिंपली आपको फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है, वो तो सब लोग जानते होंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा कंटिन्यू एज ABC, यानी कि आपका अकाउंट का नाम यहाँ पर शो होने लगेगा, सिंपली आपको यहाँ दिखेगा कंटिन्यू एज, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा इंस्टाग्राम, सिंपली आपको इंस्टाग्राम पर रिडायरेक्ट करना है। तो गाइज उसके बाद फिर आपको इस तरह आ जाएगा और आपको यहाँ दिखेगा नीचे कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर टैप करना है, उसके बाद फिर आपको यस फिनिश सेटअप, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो गाइज वेट करने के बाद बूम गाइज फिर आपको यहाँ दिखेगा स्टार्टिंग शेयरिंग टू फेसबुक, आपको इसी पर टैप करना है। तो गाइस जैसे आप टैप करोगे फिर आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। तो गाइस फिर आपको वापस जाना है प्रोफाइल के अंदर, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा एडिट प्रोफाइल, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा कंटिन्यू देन कंटिन्यू देन कंटिन्यू देन कंटिन्यू, राइट। उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ये ऑफ हो गए, आपको ये ऑन करना है, राइट। तो गाइज ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ अपनी जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप क्या हो, आप किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो, सिंपली आपको यहाँ अपनी जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपको यहाँ अपनी जो कैटेगरी है वो नहीं मिल रही है, सिंपली आपको ऊपर दिखेगा सर्च बार, आपको आप लोग यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, राइट। उसके बाद फिर आपको नीचे दिखेगा डन, आपको डन पे टैप करना है। उसके बाद फिर आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है, राइट। तो गाइस वेट करने के बाद फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे क्रिएटर एंड बिजनेस।
फिलहाल हम क्रिएटर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको नीचे देखिए नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, उसके बाद फिर आपको यानी कि डन, आपको डन पे टैप करना है। जैसे आप डन पे टैप करोगे बूम गाइज, फिर आपका जो इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है 101% आपका क्रिएटर अकाउंट बनेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो। जी हाँ दोस्त, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम के अंदर इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे उसके बाद आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के अंदर पर्सनल अकाउंट को स्विच कर सकते हैं क्रिएटर अकाउंट के अंदर, वो भी 101%। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ऐसा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।